नमस्कार साथियों, मैं चंदन सिंह नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। आज हम जानेंगे यूरोप का भारत कहे जाने वाले एक देश इटली के बारे में। क्योंकि इटली भी भारत की तरह ही एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इटली के बारे में कुछ ऐसी गजब की बातें जो इसे पूरी दुनिया में अन्य देशों से अलग बनाती है। इटली देश यूरोप का दूसरा सबसे पुराना देश माना जाता है। यूरोप का सबसे पुराना देश है ग्रीस और दूसरे नंबर का है इटली। इस देश का कुल क्षेत्रफल 3,13,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्रफल से भी कम है, और एक छोटा देश होने के बावजूद ये काफी डेवलप कंट्री है। इटली दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी राजधानी रोम के अंदर भी एक देश है। जी हाँ, रोम के अंदर दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। ये देश रोमन कैथोलिक ईसाइयों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ पर उनके सबसे बड़े धर्मगुरु पोप रहते हैं। वेटिकन सिटी देश का खुद का फोन, रेडियो, टीवी, रेलवे स्टेशन और स्टाम्प भी है। इतना ही नहीं, इस देश की अपनी आर्मी भी है जिन्हें गार्ड्स कहते हैं। इस देश का कुल क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, यानी भारत के किसी गांव जितना। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये एक देश है। इटली दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत 7वीं अर्थव्यवस्था है। लेकिन इटली के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा हाई है। भारत में पॉपुलेशन ज्यादा है, जिस वजह से कम संसाधनों के कारण भारत का जीवन स्तर इतना अच्छा नहीं है। इटली में यूनेस्को की विश्व धरोहरों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ 50 ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहरों में जगह मिली हुई है, जबकि भारत में ताजमहल, कुतुब मीनार ऐसी केवल 35 विश्व धरोहर हैं। क्योंकि इटली यूरोप का एक ऐतिहासिक देश रहा है, इसलिए यहाँ पर विश्व धरोहर की संख्या भी काफी ज्यादा है। टूरिज्म इटली की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इटली घूमने के लिए लगभग हर साल 50 मिलियन से अधिक लोग यहाँ पर आते हैं, और इससे यहाँ की गवर्नमेंट को भी काफी ज्यादा फायदा होता है। इटली देश में लगभग 85% लोग रोमन कैथोलिक धर्म को मानते हैं। इसके अलावा यहूदी, मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। इटली देश 1861 में देश के रूप में स्थापित हुआ था, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 10 जून 1946 को इटली एक लोकतांत्रिक देश बना। वेनिस इटली का एक ऐसा शहर है जो कि पानी पर बसा हुआ है। यहाँ पर कहीं पर भी जाने के लिए आपको गोंडोला नाव पर सवार होकर ही जाना होगा। हर साल इस शहर में घूमने के लिए लाखों सैलानी आते हैं। यह शहर शांत और खूबसूरत है। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतों को देखने और गोंडोला बोट की सवारी के लिए हर साल यहाँ पर लोग आते हैं। इटली देश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर दो देश मौजूद हैं। इसके अंदर वेटिकन सिटी और सैन मेरिनो नाम के दो देश स्थित हैं, जिसमें से वेटिकन सिटी की जनसंख्या लगभग 1,000 है, जबकि सैन मेरिनो की जनसंख्या लगभग 30,000 है। जितनी जनसंख्या इन दोनों देश की है, इतनी जनसंख्या तो भारत के किसी छोटे शहर में भी मिल जाएगी। इटली के मिलान शहर में एक ऐसा कानून है कि वहां पर हर जरूरी मौके पर चेहरे पर स्माइल होना जरूरी होता है, जैसा कि कहीं जाते समय, किसी से मिलते समय। बस ये नियम हॉस्पिटल और शमशान में लागू नहीं होते हैं। इटली देश का सबसे लोकप्रिय खेल है सॉकर। इटली देश में सॉकर का बहुत ज्यादा क्रेज है, और तो और इटली देश 4 बार फीफा वर्ल्ड कप भी जीत चुका है। पूरी दुनिया में इटली सबसे ज्यादा शराब बनाता है। यहाँ की बनी हुई शराब दुनिया के कई देशों में भेजी जाती है। ये भी यहाँ की इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये थी इटली की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आपको यहाँ पर जाने से पहले जरूर पता होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ इटली के ऊपर बनाया गया हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर टूर एंड ट्रैवलिंग की कंप्लीट डिटेल देते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।